15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर झारखंड राज्य की स्थापना हुई। झारखंड प्रदेश के निवासियों को सरकार से काफी उम्मीदें हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश 22 साल बीत जाने के बाद भी युवा झारखंड के युवाओं का सपना साकार नहीं हो पाया। स्थानीयता नीति, नियोजन नीति का मामला आज भी वैसा ही है जैसे कि 22 साल पहले। इन नीतियों के नाम पे ना बनने पर युवाओं में रोष है। देखिए ये रिपोर्ट। किसी भी राज्य का विकास राज्य में निवास कर रहे युवाओं पर निर्भर करता है, लेकिन ये युवा तभी विकसित राज्य का निर्माण कर पाएंगे जब इनके हाथ में बागडोर सौंपा जा सके। लेकिन झारखंड के भूत को देखा जाए तो स्थिति इसके ठीक विपरीत नजर आती है। फिर भला युवाओं का भविष्य संवरेगा, इसकी कल्पना शायद ही कोई कर सकता है। लेकिन प्रदेश के युवा स्थिति सुधारने में जरूर लगे हुए हैं। पहले 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय और नियोजन नीति का मामला, वहीं अब 40-60 का अलग प्रपंच शुरू हो गया है। राज्य सरकार 60% स्थानीय और 40% बाहरी को लाभ देने की बात कर रही है, जिसका विरोध झारखंड के युवा कर रहे हैं। इसी क्रम में झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन सिमडेगा इकाई की टीम ने एक बैठक आयोजित की, जिसमें छात्र नेता सह आंदोलनकारी देवेंद्र महतो भी शामिल हुए। उन्होंने एक सिरे से 40-60 को आधार मानकर स्थानीयता और नियोजन में लाभ दिलाने को गलत बताया है। और कल ऐतिहासिक पूरा संथाल परगना का बंदी का जो ऐलान किया गया, निश्चित रूप से ऐतिहासिक सफल रहेगा। जिस तरीके से छात्रों का चट्टान एकता का परिचय दिया, उसके बाद 3 तारीख को कोल्हान का प्रोग्राम बहुत ही ऐतिहासिक होने वाला है सरायकेला खरसावा में। इसके अलावा हम लोग का हजारीबाग में हुआ है ऐतिहासिक कार्यक्रम सफल, रांची में कई बार हुआ है डिजिटली आंदोलन ट्विटर अभियान हम लोग का ऐतिहासिक सफल हुआ है। अब आज हम लोग आज छात्रावास से हम लोग निर्णय लिए हैं कि अब सिमडेगा में भी आंदोलन का आगाज हो चुका है और बहुत जल्द ही तिथि घोषणा करके सड़क पे सिमडेगा कॉलेज से पूरा सिमडेगा पूरे टाउन मेन चौक तक हम लोग का यहाँ झांकी निकलेगा, जुलूस निकलेगा और सीधे सब को अब हम लोग पूरे झारखंड जिस तरीके से आंदोलन कर रहे हैं छात्र, अब यहाँ सिमडेगा में भी करेंगे, इधर आसपास गुमला में भी करेंगे और हम लोग पूरे घर से निकल पड़े हैं छात्रों का हक अधिकार को लेकर के। पूरे राज्य के हर छात्रावास में जाकर बैठक कर रहे हैं हम लोग, चाहे वो सिद्धू कानू क्षेत्र यूनिवर्सिटी की बात हो, चाहे रांची विश्वविद्यालय की बात हो, नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय की बात हो, चाहे विनोबा भावे विश्वविद्यालय की बात हो, कोयलांचल का विनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय की बात हो, तमाम विश्वविद्यालय में हम लोग जाएंगे। इस तरह का छात्रावास में हम लोग एक एक छात्र को उसके हक अधिकार के लिए बताने का काम करेंगे और ये अभियान हम लोग का तब तक जारी रहेगा जब तक हकमार नियोजन नीति वापस होकर के खतियान के आधार स्थानीय नीति लागू नहीं होगा। बहरहाल अब देखने वाली बात यह होगी वर्तमान सरकार भी स्थानीय और नियोजन नीति बना सकती है या फिर युवा इसी तरह आंदोलन